नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कोमल सिंह। भिंड जिले में इन दिनों कोरोना संक्रमण पांव पसार रहा है। आमजन की समस्या के निदान के लिए आए दिन अधिकारी कर्मचारी ऑफिस में कार्य करते नजर आ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोई भी जागरूकता के कैंप नहीं लगाए गए, इसका नतीजा अब स्वयं अधिकारी कर्मचारियों को भोगना पड़ रहा है। भिंड जिले में प्रत्येक दिन कोरोना संक्रमण का चेन बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कलेक्ट्रेट विभाग कोरोना के चपेट में आ रहे हैं। मऊ थाने में एक आरक्षक के साथ एसआई को भी कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। साथ ही देहात थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह कुशवाहा, आरक्षक गुरदास सोडी, सब इंस्पेक्टर चंद्र प्रकाश चौहान और आज दिनांक को गोरमी तहसीलदार शिवदत्त कटारे के द्वारा बताया गया कि कोरोना पॉजिटिव मरीज की चपेट में गोरमी पटवारी आने से संक्रमित हो गए हैं। ऐसे में भिंड प्रशासन में नुमाइंदा कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। जिले में आम जन में अफरा तफरी मच गई है। क्या स्वास्थ्य विभाग की यह नाकामी है या फिर आम जन में जागरूकता की कमी? प्राइम न्यूज 24 के लिए इमरान अली खान की रिपोर्ट। ये नगर गोरमी के तहसीलदार शिवदत्त कटारे जी हैं, हम इनसे जानते हैं, एक पटवारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। भाई साहब, क्या विषय है ये जो हमारे शिकरोदा ग्राम के जो पटवारी हैं दुबे जी, उनको कोरोना पॉजिटिव कल शाम को जो रिपोर्ट आई थी उसमें वो आए थे, तो उनको जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। क्या लगता है कितने लोगों से मिले होंगे आपके पटवारी साहब? तो बहुत लोगों से मिले होंगे वो, तो क्योंकि रोज़ अप डाउन करते थे भिंड से गोरमी। वो 3-4 दिन पूर्व से ही अस्वस्थ चल रहे थे, तो इस वजह से 3-4 दिन पूर्व से ही उन्होंने तहसील आना बंद कर दिया था। उन्होंने डॉक्टरी दवाएँ वगैरह भी दी थी, तो उसके बाद उन्होंने, जब उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिला, उसके बाद उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया, उसमें पॉजिटिव पाए गए। आपके तहसील के जो बैरिगेड लगे हुए हैं वहाँ कोई सुरक्षाकर्मी एक भी तहसील के अंदर मुझे नज़र नहीं आया, कोई भी आए कोई भी जाए? नहीं, वहाँ पे कोटवार की ड्यूटी लगा दी गई है, तो मैं दिखवाता हूँ वहाँ खड़ा है कि नहीं खड़ा है। तो जब उनका सैंपल भरा गया उससे पहले वो तहसील में तो आए होंगे ना? नहीं, 4-5 दिन पूर्व तहसील में आए हुए थे। कितने लोगों के सैंपल भरे गए आपके तहसील से अभी? उनको जिन जिन के वो संपर्क में आए थे उनको चिन्हित किया गया है, अब कल सैंपल लेने की प्रक्रिया की जाए। तो ये नगर गोरबी के तहसीलदार शिवदत्त, मैंने स्वयं भी अपना कल सैंपल दिया है, जिसकी आज रिपोर्ट आनी है। जी बिल्कुल, ये गोरमी के तहसीलदार शिवदत्त कटारे जी हैं जो बता रहे हैं कि एक पटवारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनकी उनका इलाज डिस्ट्रिक्ट भिंड हॉस्पिटल में चल रहा है। अप डाउन कर दिए थे इसलिए अभी भिंड से सैंपल हुआ था, अपनी गोरमी से नहीं हुआ था सैंपल, इसलिए भिंड से रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव है, कल रिपोर्ट आई थी। अब उनको पूरी तहसील को सील करके उनका सैंपल लिया जाए, पटवारी साहब, तहसीलदार साहब का सैंपल पहले ही हो चुका है, तो उनकी रिपोर्ट आज आ जाएगी। तहसीलदार साहब भी, बाकी सारे पटवारियों का, उनका सह कर्मचारियों का, उनके स्टाफ का, सबका, तो तहसील सील करके सैंपल आज लिया जाएगा। चूँकि डॉक्टर साहब की उनका पैसा इस तरह का था कि वो पटवारी थे, तो उनका तमाम लोगों से मिलना जुलना रहा होगा, आपस में पटवारियों का, तहसीलदार गिरदावलों से मिलना जुलना रहा होगा, तो ये तो बहुत गंभीर समस्या है। क्या आप कितने लोगों के सैंपल अभी तक भरे जा चुके हैं? उनके हिसाब से कॉन्टैक्ट हिस्ट्री जो रहेगी, जो लोग उनसे मिले हैं वो उनसे मिले हैं, तो उनके सबके कॉन्टैक्ट लिए जाएंगे, कॉन्टैक्ट लेके सबके सैंपल जो भी नज़दीक, पहले नज़दीक वालों के लिए जाएंगे, फिर उसके बाद उनके जो कॉन्टैक्ट में दूर के हैं उनके लिए जाए, सबके सैंपल लिए जाए जितने भी कॉन्टैक्ट में आए हैं, भिंड के या गोरमी के या महंगाव के जो भी हैं, सब सबके सैंपल लिए जाएंगे। तो ये गोरमी के मेडिकल ऑफिसर भरद्वाज जी डॉक्टर साहब हैं,